फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अपने जो हिबिस्कस मैंने कटिंग से लगाई थी उन्हें प्लांट को शेयर करने वाली हूँ कि मेरे प्लांट की क्या कंडीशन है। और मैंने कटिंग रेनी सीजन में लगाई थी जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो गई थी। और जो मेरे ये पिंक कलर की तो मैंने नहीं लगाई थी, लेकिन जो मेरे रेड कलर का हाइब्रिड हिबिस्कस था और ये वाला येलो कलर का, इनकी कटिंग मैंने लगाई थी तो मेरे बहुत ही अच्छा सक्सेस रिजल्ट मिला था। मैंने फर्स्ट टाइम ही हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी और जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला था। तो ये है उसका मदर प्लांट, आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर आया हुआ है और बहुत ही बिग साइज़ का फ्लावर इसमें आता है। और ये तो मेरा परमानेंट है, ये तो हमेशा ही इतने सारे फूल खिलते रहते हैं इसमें। तो इसकी कटिंग मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि जब रेनी सीजन में इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं इसकी कटिंग नहीं लगा पाई थी। मैंने इसको पूरा प्रून कर दिया था और प्रूनिंग के बाद भी काफ़ी टाइम लग गया इसको ठीक होने में। बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियाँ पूरी वाइट सी हो गई थी तो मैंने इसलिए इसकी कटिंग फिर नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे कोई ब्रांच इतनी अच्छी दिखी नहीं थी जिसकी मैं कटिंग लगा सकूँ। ये प्लांट मेरे हेल्दी थे तो इसकी भी प्रूनिंग करी थी और जितनी भी ब्रांच मैंने प्रून करी थी उसके बाद ही देखिए मेरा प्लांट इतना ज़्यादा घना हुआ था। कम से कम इसमें 10 से 12 ब्रांच हैं तो सारी मैंने कटिंग लगा दी थी। और ये तब से लगातार परमानेंट ये भी फ्लावरिंग करता है, रोज़ इसमें एक दो फूल आते ही रहते हैं। तो चलिए मैं इसके जो मतलब कि हमारे जो प्लांट कटिंग्स तैयार हुए उसको मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मेरे जो कटिंग है उसी को दिखाने वाली हूँ मैं। तो पहले तो मैं आपको अपना जो प्लांट दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा फ्लावर आए हुए हैं। मैंने बोला भी था उस दिन आपको कि जब इसमें फ्लावर आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और एक फ्लावर तो ये मेरा ऑरेंज वाला ही, देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर खिला है और इसमें भी कलियाँ बहुत सारी आ रही हैं। तो चलिए मैं इसको अपने सारे प्लांट के पास लेके चलती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। ये है पर्पल हिबिस्कस, इसके मैंने दो प्लांट और कहीं पे लगा के रखे हैं, पता नहीं शायद थर्ड फ्लोर पे रखा होगा। दो प्लांट एक ही गमले में हैं और जो मैंने कटिंग लगा के रखी है। और ये मेरे सारे येलो कलर के हैं, येलो कलर की मैंने 7 कटिंग लगाई थी जिनमें कि आज एक में फ्लावरिंग भी हो गई है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा फूल खिला है, बहुत ही अच्छा लगा इसको सुबह सुबह देखा मैंने। छोटे से प्लांट पे छोटे से गमले में देखिए इतना ब्यूटीफुल सा फ्लावर आया हुआ है और कलियाँ अभी भी बहुत सारी हैं। ये देखिए इतनी सारी कलियाँ भी आई हुई हैं साथ में, प्लांट बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। और बस एक बार मैंने इसको छोटे से गमले में रिपोर्ट किया है, लगभग 4 इंच का गमला होगा, 4 या 5 इंच का होगा शायद, 5 इंच से भी कम ही है और उसमें भी आधी मिट्टी भरी है। देखिए उस समय छोटी छोटी सी कटिंग थी जब मैंने रिपोर्ट किया था तो इनको लगा दिया था। तो कितना प्यारा सा फ्लावर खिला है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है। और सारे में ही लगभग फ्लावरिंग, ये वाले को मैंने ऊपर से पिंच कर दिया है। इनको देखिए कैटरपिलर ने कितना खाया है, मेरे थर्ड फ्लोर पे रखे हुए थे, मैं अभी लेके आई हूँ इनको आपको दिखाने के लिए। तो इनमें भी सभी में कलियाँ बन गई हैं, देखिए इसमें भी 3-4 कलियाँ यहाँ पर बनी हैं, 2 कलियाँ बड़ी हो गई और 2 कलियाँ भी छोटी छोटी सी हैं। और एक प्लांट मेरा ये है, इसमें भी देखिए कलियाँ बन गई हैं, ये देखिए। और एक प्लांट ये है, इसमें भी कलियाँ बन गई हैं, एक प्लांट ये है, इसमें भी कलियाँ बन गई हैं, ये देखिए यहाँ पर। और बहुत सुंदर सुंदर से फूल आने वाले हैं। एक ही पिंक कलर का मैंने लगाया था, ये दूसरा वाला पिंक है जो मेरे थर्ड फ्लोर पे खिलता है, शायद वही वाला है ये। तो इसमें भी कलियाँ, ये 2 बार खिल भी चुका है ये भी। और एक मैंने लगाई थी, 2 कटिंग मैंने रेड वाले की भी लगाई थी जो मेरा रेड हाइब्रिड वाला है, ये देखिए इसमें भी कलियाँ आ गई हैं। तो इनको भी कैटरपिलर ने पत्तियों को खाया है थोड़ा सा, और देखिए इतने छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसमें कलियाँ आ गई हैं। देखिए जब ये खिलेगा तो मैं इसको भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरे कटिंग से लगे हुए सारे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। तो कई लोग पूछते रहते हैं कि आप मतलब कि हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगती है नहीं, तो ये रेनी सीजन में आप बहुत आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में बहुत ही आसानी से आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी। तो आप भी एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक प्लांट लाई थी मैं, वैसे तो उसका प्राइस 80 रुपीज़ था नर्सरी में, लेकिन उन्होंने मुझे 60 में दिया था, जो मेरा वो मदर प्लांट है जो येलो वाला आप देख रहे हैं, ये वाला प्लांट, ये देखिए ये वाला प्लांट। और जब मैं लेकर आई थी तो सिर्फ सिंगल ब्रांच, 1 या 2 ब्रांच मुश्किल से थी उसमें। उसके बाद मैंने कटिंग करके ही अपने घर में उसको घना बनाया है। और देखिए कितने सुंदर उसके फ्लावर, उसके फ्लावर मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, लेकिन आज जो मैंने खुद से प्रोपोगेशन की उसके फ्लावर आपको दिखा रही हूँ, अपने हाथ से तैयार किया हुआ ये मेरा प्लांट है। और मैं इनमें ऐसा कुछ भी मैंने नहीं डाला है, ना तो इनमें कोई खास कंपोस्ट दी है। जब मैंने लगाया था तब भी मैंने, क्योंकि कटिंग की रिपोर्टिंग के टाइम में इनके रूट्स ओपन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया था, कोई बहुत खास खाद मैंने नहीं डाली थी। हाँ, 1-2 बार दिया होगा, 1-2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दिया होगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इनमें डाल देती हूँ, जो
फ्रूट और वेजिटेबल पील से बनाती हूँ, जो मैं अपने ये सारे प्लांट को देती हूँ वही इसमें भी डाल देती हूँ जब मेरा मतलब कि तैयार करती हूँ, 20 दिन 15 दिन महीने में जब भी डालती हूँ तो इन्हें भी डाल देती हूँ। तो उसी का रिजल्ट है जो मुझे आज इतना प्यारा दिख रहा है। इसको छोटे से प्लांट में इतना बड़ा सा फ्लावर देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्लांट और फ्लावर कैसा लगा जो मैंने खुद से तैयार किया है। और ये जब सारे खिलने लगेंगे तो सोचिए आप येलो कलर के मेरे पास कितने सारे प्लांट हो जाएंगे, और मुझे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और क्योंकि इसका कलर और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत सुंदर सा है, तो अगर ये पत्तों को कैटरपिलर ने नहीं खाया होता तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और सुंदर दिख रहे होते प्लांट सारे ही। पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे नई पत्तियाँ आती जाएंगी पुरानी पत्तियों को मैं कट करके हटा दूँगी तो इनकी जो ब्यूटी है वापस से आ जाएगी। देखिए इसकी सारी पत्तियाँ खा गए हैं लेकिन न्यू ग्रोथ इसमें हो रही, न्यू पत्तियाँ आ रही हैं। तो जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं उनकी ग्रोथ पूरे विंटर होती रहेगी, तो इसको आप अच्छा फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर आपने भी कटिंग लगा के रखी है तो आप इसको न्यूट्रिएंट्स दीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीजिए, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दीजिए, और लिक्विड फर्टिलाइजर भी देते रहिए, चाहे तो मस्टर्ड केक का दीजिए या फिर फ्रूट वेजिटेबल या बनाना पील्स का दीजिए, तो आपके प्लांट इसी तरह से फ्लावरिंग करेंगे और अच्छे हेल्दी प्लांट रहेंगे। देखिए छोटा सा प्लांट है, छोटी सी कटिंग लगी, इन सबको मैं बाद में लगभग 10-10 इंच के ग्रो बैग बनाऊंगी और उसी में इन सबको शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि इतने सारे प्लांट के लिए अब गमले अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से गमले रखने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। फिर तो ग्रो बैग्स बनाऊँगी और कहीं ना कहीं इनको रखते बन ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत प्यारे से फ्लावर हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का थोड़ा स्प्रे भी करते रहेंगे तो ऊपर से भी प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे, जैसे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट जो लिक्विड आता है, या तो आप ग्रेन्यूल को भी लिक्विड बना करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। आप इनको धूप कम से कम 6 से 6 घंटे की धूप कम से कम दीजिए तो प्लांट आपके काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। पेस्ट वगैरह के लिए आप पेस्टिसाइड का भी यूज करिए, नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं, अगर नीम ऑयल का नहीं करना चाहते तो आप केमिकल में भी कोई सा भी कर सकते हैं। मैं तो एमिडा क्लोप्रिड का स्प्रे करती हूँ क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक ही इंसेक्टिसाइड है जिसको मैं लगभग हर प्लांट पे यूज करती हूँ, और जैसे पेस्ट वगैरह होते हैं तो उससे हट जाते हैं। लगभग 2 ml मिला करके 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके और मैं अपने प्लांट में स्प्रे कर देती हूँ। तो बस इतनी ही केयर करती हूँ और ऐसा कुछ खास नहीं करती हूँ। और बस आज के लिए इतना ही, बाय।